दोस्तों, इसराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली देशों में होती है। यह एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, और दुश्मन भी ऐसे हैं जो मौका मिलते हैं इसराइल को किसी भी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। इन सब के बावजूद 1948 में दुनिया के नक्शे पर आया यह देश अपने दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसराइल के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो स्वाभिमानी एवं देशभक्त होते हैं, और इन्हीं लोगों की देशभक्ति के कारण इसराइल आज अरब देशों की आंखों में आंखें डालकर उनका जवाब देता है। दोस्तों, आज हम इसराइल के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य बताएंगे जिन्हें आज के समय में आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, इसराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। लंबे समय के संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन के कब्जे से आजादी मिली और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई, जिसे इसराइल नाम दिया गया। इसराइल शब्द का प्रयोग बाइबल और उससे पहले से होता रहा है। बाइबल के अनुसार ईश्वर के फरिश्ते के साथ युद्ध लड़ने के बाद जैकब का नाम भी इसराइल रखा गया था। इस शब्द का प्रयोग उसी समय से यहूदियों की भूमि के लिए किया जाता रहा है। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर इसराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, और इस देश की एक सबसे खास नीति है कि पूरी दुनिया में किसी भी देश में अगर किसी यहूदी बच्चे का जन्म होता है तो उसे ऑटोमेटिकली इसराइल की नागरिकता मिल जाएगी। यानी पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी यहूदी रहता है तो उसे खुद ब खुद इसराइल की नागरिकता मिल जाती है, और वह जब चाहे तब इसराइल में जाकर रह सकता है। इसराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है। दोस्तों, हमारे देश में हिंदी बोलने में लोगों को शर्म आती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिब्रू भाषा का अंत मध्य काल में ही हो गया था, और इस भाषा को सीखने वाला भी कोई नहीं बचा था। लेकिन जब इसराइल की स्थापना हुई तो देशभक्त यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को फिर से पुनर्जीवित किया और उसे इसराइल की आधिकारिक भाषा बनाया, और इस तरह से इस भाषा का पुनर्जन्म हुआ। 2000 आंकड़ों के अनुसार इसराइल की कुल जनसंख्या 92 लाख के आसपास है। देखा जाए तो यह दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों की जनसंख्या से भी कम है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यह भारत के केरल से भी छोटा है। दोस्तों, इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। इसराइल का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों न हो, उसे कुछ समय के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, हर किसी को इसराइल की सेना में कुछ समय की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। 15 साल की उम्र से ही इसराइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। वहाँ के नियम के अनुसार लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना जरूरी होता है। दोस्तों, इसराइल एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी वहाँ भारत या ब्रिटेन की तरह लिखित संविधान नहीं है। वहाँ पर परंपराओं और देशवासियों की सुविधाओं के हिसाब से नियम कानून बनते और बदलते रहते हैं। दोस्तों, आप सभी ने साइकिल तो जरूर चलाया होगा, लेकिन क्या साइकिल चलाने के लिए आपने कभी लाइसेंस बनवाया है? नहीं ना। लेकिन इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके अलावा इसराइल दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिनके पास परमाणु हथियार और सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, इसराइली वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और शक्तिशाली वायुसेना है। इसराइली वायुसेना की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1976 में जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 248 पैसेंजर्स से भरे इजरायली प्लेन को हाईजैक करके युगांडा ले गए थे, तब इसराइल सरकार के आदेश पर ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसे ऑपरेशन एंटेबे भी कहा जाता है, चलाया गया। इसमें इजरायली वायुसेना अपने देश से 4000 किलोमीटर दूर युगांडा में घुसकर सिर्फ 90 मिनट में अपने सभी बंधक नागरिकों को सकुशल छुड़ा लाई थी। दोस्तों, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरा का पूरा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। यानी इजराइल की तरफ दागी गई कोई भी मिसाइल इजराइल पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दी जाएगी। हथियार ही नहीं बल्कि विज्ञान के मामले में भी इजराइल काफी आगे है। मोटोरोला ने अपना पहला मोबाइल फोन इजराइल में ही बनाया था, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप भी इजराइल में ही बना था। इतना ही नहीं दोस्तों, पहली वॉइस मेल तकनीक भी इजराइल में ही विकसित की गई थी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी थे। उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने का भी ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया था कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। इसके अलावा मशहूर सोशल साइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी यहूदी ही हैं।
दोस्तों अपनी आजादी के समय इजराइल एक बंजर जमीन का टुकड़ा मात्र था, जहां न खेती की जा सकती थी और न ही वहां पानी का स्रोत था। लेकिन जल्दी ही टेक्नोलॉजी के दम पर इजराइल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। आज के डेट में इजराइल अपनी जरूरत का 93% खाद्य पदार्थ खुद पैदा करता है। इसके अलावा समुद्र के पानी को साफ करके पीने और दूसरे कामों में प्रयोग करता है। दोस्तों इजराइल में सिर्फ 40 बुक स्टोर ही हैं, क्योंकि यहाँ सरकार हर व्यक्ति को किताबें मुहैया कराती है। इन सब के अलावा इजराइल में छपने वाली हर किताब की एक कॉपी जेविस नेशनल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जरूर रखी जाती है। दोस्तों आज के समय में जब हमारे देश में किताबें बहुत महंगी हैं और स्कूल वाले तो बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करके जबरदस्ती किताबें खरीदवाते हैं, ऐसे में हमें इजराइल से सबक लेना चाहिए, उसे सीख लेनी चाहिए। इजराइल का समुद्र तट सिर्फ 273 किलोमीटर लंबा है, इसके बावजूद यहाँ 137 ऑफिशियल बीच है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि एक बार अगर आप इसकी निगाहों में आ गए तो इसके एजेंट्स आपको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। दोस्तों 1972 में जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। तब तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ऑपरेशन ब्लैक सेप्टेम्बर लॉन्च किया था और मोसाद को खुली छूट देते हुए कहा था कि एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए। दोस्तों अगले 22 सालों तक मोसाद के एजेंटों ने उस आतंकवादी हमले में शामिल रहे एक एक आतंकी को खोज खोज कर मारा था। दोस्तों इजराइल की सैन्य ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जून 1967 में जब जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित आधा दर्जन मुस्लिम देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला किया था तो उसने पलटवार करते हुए मात्र 6 दिनों में सभी को पूरी तरह से हराया था। उस हार को अरब देश आज तक नहीं भूले हैं। इतिहास में इस घटना को 6 डेज वॉर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इजराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है, इसके बावजूद भी 2017 से पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा नहीं की थी। इसके पीछे शायद उन सभी प्रधानमंत्रियों के खास वोट बैंक के नाराज हो जाने का डर था। लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। उनके इस दौरे ने भारत और इजराइल की दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। दोस्तों 2014 से पहले जब हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला होता था तब उसकी कड़ी निंदा की जाती थी और फिर डॉजियर पर डॉजियर सौंपे जाते थे, जबकि 1948 से ही इजराइल का एक ही मूल मंत्र रहा है कि अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उसके देश में घुसकर उसके 1000 नागरिक को मारेंगे। ऑपरेशन ब्लैक सेप्टेम्बर के बाद इजराइल ने ये करके भी दिखाया है। दोस्तों इजराइल से सिर्फ 1 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन विकास के मामले में आज हम कहाँ हैं और इजराइल कहाँ है ये आप सभी को पता है। हम सभी को भी इजरायली नागरिकों से सीख लेनी चाहिए और अपने देश की तरक्की में पूरा योगदान देना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।